क्योंकि सब बुकिंग पे है, दो जगह से ज़्यादा बुकिंग हो रखी है उनकी, ठीक है, क्योंकि जो बनाते हैं ना उसको खड़ा भी करते हैं, वहाँ रहते भी है ना, चक्कर ही है। वही पुलिस लाइन में है, आप तमिलनाडु जाना हो तो। हाँ 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 जब जाओगे तो मुझे पर, हाँ मुझे कॉल करना है, जाओगे ये कल रात्रि में एक सूचना 112 पे हम लोगों को मिली थी कि दिल्ली से आते हुए एक एसयूवी गाड़ी से 55 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। इसमें तत्काल जो है वो सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे, मैं भी गया और एडिशनल कमिश्नर साहब लव कुमार साहब भी गए। वादी से बात की गई तो बताया कि उसको जो है वो बांध करके गाड़ी के अंदर डाल दिया और उसकी गाड़ी में 55 लाख रुपए से भरा हुआ बैग था, जो दूसरी एक गाड़ी थी इको स्पोर्ट्स गाड़ी, उसमें एक युवक लेकर के चला गया गन लगा करके। इसमें तत्काल हमने जो है FIR दर्ज की। दर्ज करने के बाद जिनका ये पैसा था उनको बुलाया, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर्टी का एक कुछ काम था उनका दिल्ली में, वहाँ इनका ड्राइवर ये पैसा देने जा रहा था। फिर ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर की कुछ बातें हमें विरोधाभासी लगी, फिर हमने उससे और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका एक साथी जिसका नाम रॉबिन और फ्रॉकी है और उसका भाई अमित, ये तीनों लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने घटना को प्लान किया, बाकायदा गाड़ी इको स्पोर्ट्स आई और रॉबिन के द्वारा जो है वो गाड़ी का पीछा किया गया, ड्राइवर को जो है वो साइड में ले करके वो बैग लिया और हाथ इसके बकायदा ड्राइवर के बांधे गए। चूँकि ड्राइवर ने जो है वो सहमति से ये कृत्य कराया था, इसलिए इसमें इसने कोई विरोध नहीं किया, जिसका हमें डाउट हो रहा था। और इसके बाद जो है वो रॉबिन को हमने तलाश किया, रॉबिन से जो है वो ये 55 लाख रुपए पूरे बरामद किए हैं, 100% बरामद भी इसमें हुई है और तीनों अक्यूज्ड हमारी हिरासत में हैं। इसमें जो तमंचा प्रयोग किया गया वो तमंचा हमें मिल गया है, गाड़ी मिल गई है, DIG साहब की तरफ से टीम को 50,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है।